यही हमारा कहना है, सबका कहना है, हमारा कहना है। नाइस लुकिंग। चलो धीरे धीरे आ जाओ अंदर। नहीं पहले क्लास ले लो। अच्छा अच्छा से नहीं भाई, पहले जिसकी क्लास। अरे नहीं इधर ले लो। उठ के अरे आगे ना चले गए इस साइड पे। अरे बात तो बाल बाल के फोटो मारता है। बाल तो उधर ही देख लो। देना जी सामने सब कर देना। सबसे सुंदर गहना है। चलो आ जाइए, आ जाइए। यस एलपी आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ साइड में जाओ। नहीं चलो एक चीज है, लाइट अच्छे से चाहिए। चलो स्टार्ट। आगे करते हो तो विशाल हां तुम आगे करते हो। आइए जरा अच्छा। ये मेरे खुद के शोरूम्स हैं, ये मेरा खुद का ब्रांड है फैशन बेस स्टूडियो। सो ये मेरे खुद के आउटलेट्स हैं इंडिया में, कुछ सात मेरे खुद के आउटलेट्स हैं। तो मैंने अपना खुद का ब्रांड पहना हुआ है। देखो आज का जो टाइम है वो पूरी तरह से डिजिटल है। कहते हैं ना अगर आप डिजिटली एक्टिव नहीं हो तो आप एक्चुअली एक्टिव नहीं हो। आपका अस्तित्व आज की डेट में तब है अगर आप डिजिटली, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अगर तब जब आपके पास डिजिटली एक्टिव करेंसी है वो किसी भी फॉर्म में हो। आज की डेट में हम हर कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि एक ट्रेंड है और हमेशा कुछ ना कुछ एक रिवॉल्यूशन आता है। जब शुरू में व्हाट्सअप आया था तो लोगों को लगता था शायद कुछ दिन रहेगा। उसके पहले जब ब्लैकबेरी आया था तो लोगों को लगता था कुछ दिन रहेगा। लेकिन हर चीज़ का ना एक ट्रेंड होता है और ऑटोमेटिकली बूम करती है। उसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी है। एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा बूम करने वाली है। मैंने तो इन्वेस्ट नहीं किया है फिलहाल, बट आई एम श्योर मैं कुछ दिनों में करूँगी। और या एक बूमिंग टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे जब शादी की बात आती है तो लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बातें होती है तो लोग हज़ार रुपए भी नहीं करते। अगर किसी को ऑफलाइन किसी को पैसे देने हैं तो लोग हज़ार रुपए देने को तैयार होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर उसे कार्ड स्वाइप करके सौ रुपये भी करने हैं तो उसे डाउट होता है। तो चीज़ें क्या हैं, सब अवेयरनेस का खेल है और सारा खेल है ट्रस्ट का। हमारे यहाँ सारी चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं शाहरुख सर का एक इंटरव्यू देख रही थी। किसी ने पूछा कि हॉलीवुड में जब फिल्में बनती हैं वैसी फिल्में हम क्यों नहीं बनाते, तो शाहरुख सर ने कहा यहाँ पे सारा खेल ट्रस्ट का है। हमारे यहाँ हर चीज़ ना लोग ट्रस्ट पे चलते हैं। जिस दिन लोगों को डिजिटल मार्केट पर ट्रस्ट हो जाएगा, पूरी इंडिया डिजिटली एक्टिव हो जाएगी। वही खेल वेब सीरीज़ का है। वेब सीरीज जब तक डिजिटली है लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। जब वो होम टू होम ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, बट और ज़्यादा जब आ जाएंगी तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब है ट्रस्ट। तो जिस दिन लोगों को ट्रस्ट होगा लोग एक्सेप्ट करेंगे। माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फिलहाल तो मैं लोगों की पार्टीज अटेंड कर रही हूँ, ठीक है। और मैं कुछ और भी बहुत सारे काम कर रही हूँ, बट इट्स टू अर्ली टू रिवील। यू नो बातें करना बहुत आसान होता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बातें बहुत होती हैं। टॉल स्टोरीज बनाना, बड़ी बड़ी बातें कर देना, बट जब तक वो चीज़ें ग्राउंड फ्लोर पर आप लोगों के सामने नहीं आ जाती, मेरा बोलना वेस्ट होगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो रिलीज़ हो जाएँ, तब मैं आपके साथ बातें करूँगी। और हम भी एक अच्छी लॉन्चिंग पार्टी रखेंगे ना उसके लिए। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। और कैसे हो? हाले जैना जी, आपके साथ बहुत गलत हुआ। मुंबई पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया। ऐसा आपका कहना है, क्या कहना चाहेंगे मुंबई पुलिस के बारे में?
मैं बॉम्बे पुलिस के खिलाफ नहीं कहना चाहूँगी कुछ भी, क्योंकि आप एक पूरी संस्था को गलत नहीं कह सकते। मैं सिर्फ मेरे आयोग के लिए बोलना चाहूँगी, बिल्कुल ब्लंट मैं उसी आदमी के लिए कहना चाहूँगी जिसने मुझ पर केस बनाया। क्योंकि जब पहली बार मेरे घर पे ये लोग घुसे थे 14 लोग, पूरी मीडिया को बोला गया कि मैं शूट पर थी। एंटायर मीडिया वो स्टॉकिंग कि मैं मड पर पाई गई थी शूट के दौरान, जबकि मेरी चार्जशीट जो मेरे नीचे गाड़ी में रखी हुई है कुछ 7000 पेजेस की है, दो लोगों को उठानी पड़ती है, मैं आप लोगों को सारे पेपर दिखा सकती हूँ। उस पर इन्होंने लिखा है कि 6 को ये लोग इंक्वायरी करने के लिए मुझे बुलाया, फिर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया। और इनका कहना है कि मैंने खुद कहा है कि मैंने ये किया है, तो पहले आपने मीडिया को क्यों गुमराह किया कि मैं वहाँ थी? पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, आपको जो लगता है आप केस लगा दोगे, पहले प्रूफ तो लेकर आओ। आप कह देते हो इतने वीडियो मिले, सारी चीज़ें गूगल पर हैं, सारी चीज़ें डिजिटल पर हैं। अगर आपकी कोई चीज़ गूगल पर है तो आप उसे कभी भी लाइफ में गूगल से नहीं हटा सकते। क्या किसी भी आदमी ने एक भी ऐसी फिल्म देखी है मेरी जिसे आप पॉर्न की कैटेगरी में कह सकें? आप जिन लड़कियों को डिफेंड करते हैं, आप कहते हैं ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, उनकी तो पता नहीं कितनी ब्लू फिल्म लोगों ने देख रखी है। वो अचानक से देवी और सती सावित्री बन गई, और जिसकी एक भी फिल्म जो पॉर्न की कैटेगरी तो बहुत दूर की बात है, मेरी एक भी फिल्म ऐसी नहीं जो टॉपलेस हो। आपने ये बना दिया कि मैं पॉर्न मेकर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमका हूँ। आप मुझ पर एक ऐसा केस लगाते हैं कि मेरे 70 लोगों के सेट के बीच में एक लड़की का रेप हुआ है, 376D मुझ पर ये सेक्शन लगा दिया। 376D क्या कोई छोटा सेक्शन है? मैं जेल में थी, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल लॉयर्स भी थे जो अंदर थे, कुछ पीपी थी जो बहुत सालों से जेल में है, वो मुझे देखा करती थी, मुझ पर हंसती थी। ऐसा होता है क्या? शूटिंग सेट पर कभी किसी का रेप होता है क्या? आप कोई चीज़ बिहाइंड द डोर या बेडरूम के अंदर नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है? तो जो चीज़ कैमरे में हो रही है, आप किसी का फोर्सफुली रेप नहीं कर सकते, आप किसी से फोर्सफुली एक्टिंग नहीं करा सकते। 2 घंटे के फिल्म को 4 घंटे में शूट नहीं होती है, महीनों शूट होती है। अचानक से 1.5 साल 2 साल बाद एक लड़की को याद आता है उसका रेप हो गया था, क्या मजाक चल रहा था? आज अगर आपके पैसे कोई ले ले, आप पुलिस में जाएं, आपको प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा। आप में से किसी आदमी पर अगर एक लड़की रेप केस लगा दे, आपको ज़िंदगी निकल जाएगी प्रूफ करने में कि आपने किया है या नहीं किया है। तो एक लड़की पे कैसे आप रेप केस लगा सकते हो? अ वुमन कैन नॉट रेप अ वुमन, राइट? और शूटिंग सेट पे देखो, आपने कास्टिंग काउच सुना होगा, आपने मीटू सुना होगा, क्या आपने पहले कभी सुना है कि 70 लोगों के सेट पे जहाँ पे 3-3 कैमरे सेटअप हैं? मेरे यहाँ ड्रैगन कैमरे से शूट होता था, मेरे सेट पे 2-2 ट्रक लाइट आती थी, 8-8 हम लोग पार यूज़ करते थे क्योंकि करना पड़ता था, लड़की को सुंदर दिखाना होता था। इतने बड़े सेटअप में क्या किसी लड़की का रेप हो सकता है? मुझे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मुझे लोग पूछते हैं आप क्या ऐसे बैठ के देख रही थी, आप क्या ऐसे बैठ कर देख रही थी रेप होते हुए? मैं 133 दिन जेल के अंदर थी फॉर समथिंग जो पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट मेरा केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझ पर केस लगाए गए, एंड आई एम होपिंग, मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ तो ऊपर वाला मुझे सजा दे, मैं गलत नहीं हूँ तो उसे सजा दे जिसने गलत किया है। दैट्स इट। ओके, आखिर में आप क्या अपने फैन के बारे में पूछो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्थडे के लिए, ठीक है? और ये बहुत सही टाइमिंग है टू सेलिब्रेट बर्थडे, क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था और वी नेवर नो, किसी को पता नहीं कि कल से भी कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। तो उन्होंने यस 15,000 तो वो है जो हमें दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो दिखती है, कई बार होती नहीं है, कई बार होती है और दिखती नहीं है, तो वी नेवर नो। बट उन्होंने बहुत सही डेज चूज़ किया टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, एंड बहुत अच्छा किया क्योंकि सब लोग अपने घर पर बैठे थे, फाइनली सबको टाइम मिला है टू सेलिब्रेट दिस डे। एंड 100 साल जिए वो, 150 साल जिए, उनका नाम गिनीज बुक पर भी आ जाए। मैं इस पे राज का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुई थी तब राज पिक्चर में नहीं था। हम लोग जेल से बाहर आ गए, मैं 22 जून को बाहर आई हूँ, 18 जून को मेरी बेल हुई थी, 19 जुलाई को ऑल ऑफ सडन राज को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया।
और रात को मुझे 10:30 बजे चैनल से कॉल आता है कि आपको क्या कहना है। चैनल रिवील नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव होता है। एंड मैं अपनी लाइफ में अगर किसी के सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ तो मैं मीडिया की हूँ। मेरे लिए लाइफ में अगर भगवान का कोई दूसरा रूप है तो मैं मीडिया को कहूँगी। मुझे लाइफ में अगर किसी ने बोलने का मौका दिया है, देखो मैं ना बहुत छोटे शहर से हूँ, छोटे शहर से निकल कर इंजीनियरिंग करके बॉम्बे तक आना बहुत टफ था, लेकिन अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का जो मौका मुझे मिला वो मुझे मीडिया ने दिया। तो अगर मेरे लिए भगवान की बात कोई है तो वो मीडिया है, और मैं मीडिया के खिलाफ तो या मीडिया का नाम तो मैं जीवन में नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत छोटा शहर है चिरमिरी करके, छत्तीसगढ़ में एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है चिरमिरी, पहाड़ों में है, वहाँ पे नगर निगम है, वहाँ पॉपुलेशन भी 2 या 3 लाख ही होगी। मैं कोचिंग करने के लिए 5 से 6 किलोमीटर रोज़ पैदल चल के जाती थी। मैं वहाँ से मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया, मैंने AIEEE, CGPET, MPPET मैंने क्लियर किया। मैं भोपाल आई इंजीनियरिंग करने के लिए, मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ा। मैंने जैसे इंजीनियरिंग की सबसे पहले मैंने लोन क्लियर किया, फिर मैं बॉम्बे आई। सो आई नो कि कितना स्ट्रगल होता है छोटे शहर से यहाँ तक आना, और जब आप पे अचानक से एक दिन ये तोहमत लगा दी जाए कि आपने ये गलत किया वो गलत किया और आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आपके पास मीडिया होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया। बट मैं मीडिया से एक और बात कहना चाहूँगी। देखिए पूरी दुनिया को पता है कि मेरे केसेस क्या थे, सबको पता है क्या बेस रियलिटी है। मेरा एक फ्लैट है दोस्तों मालवानी 8 नंबर में, जो मैंने किसी को रेंट पे दिया था, उसने पता नहीं किसको हैवी डिपॉजिट पे दिया या नहीं दिया। इट्स बिन 15 मंथ्स नाउ, मेरे घर पे कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मेरे जो जिसने कब्ज़ा किया है उसका नाम है वसीम मैनुद्दीन शेख, मालवानी 5 नंबर में मैटर आता है। मैं बार बार इनसे हेल्प मांग रही हूँ कि लोगों को अरेस्ट की कुछ बोला है कि नहीं। पुलिस कह रही है सिविल का मैटर है, सिविल का मैटर है, यू हैव टू हैंडल। तो मैं कहती हूँ कैसे सिविल का मैटर है, मेरा घर है, आप नकली पेपर बनाकर किसी और के पैसे ले लेते हो, नीचे नेम प्लेट पे मेरा नाम है, मेंटेनेंस में मेरा नाम है, घर की ओनर मैं हूँ, आप नकली पेपर बना के किसी और को रख लेते हो, तो कैसे क्रिमिनल नहीं है? तो आपने लॉयर के साथ FIR? नहीं, मैं अभी तक लॉयर के थ्रू इसलिए नहीं गई क्योंकि जब आप मैटर कोर्ट पे जाता है तो टाइम लगता है। ऑलरेडी मेरे घर में 15 मंथ्स लग चुके हैं। अगर इस चीज़ पे पुलिस सीरियसली एक्शन ले तो उन लोगों को घर से निकाल सकते क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने पैसा किसी और को दिया है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं आप मेरे को जानते नहीं हैं, बस आप मेरा घर खाली करें, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं करना। अरे मैं तो कहती हूँ पूरी मीडिया मेरे घर में घुस जाओ और मुझे लोग रह रहे हैं उन्हें निकाल दो। ठीक है मैं एड्रेस उसको दे दो, ये बुला देगा।